हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ यूके की सभी कार कंपनीज़ यानी कि अमेरिका के सभी कार ब्रांड्स के बारे में। तो बने रहें इस वीडियो में, इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, ये वीडियो देखने में आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर वन पर आइए फोर्ड। इस कंपनी की शुरुआत सन 1903 में हुई थी। बात करें इस कंपनी के सबसे महंगे मॉडल की, वो है फोर्ड GT सुपर कार, जिसकी प्राइस 3,76,00,000 रुपये है। वहीं बात करें सबसे सस्ते मॉडल की, वो है फोर्ड फिगो, जिसकी प्राइस 7,92,000 रुपये है। नंबर टू पर आइए चेवरलेट। इस कंपनी की शुरुआत सन 1910 में हुई थी। बात करें इस कंपनी के सबसे महंगे मॉडल की, वो है चेवरलेट कॉर्वेटी ZR1। इस कार में आपको 6.2 लीटर का बड़ा इंजन देखने को मिल जाता है और इसकी प्राइस है लगभग 84,00,000 रुपये। नंबर थ्री पे आई है कैडिलैक। इस कंपनी की शुरुआत 1902 में हुई थी। बात करें इस कंपनी के सबसे महंगे मॉडल की, वो है कैडिलैक स्केलेड प्लेटिनियम, जिसकी प्राइस लगभग 76,00,000 रुपये है। नंबर फोर पे आई है GMC मोटर। इस कंपनी की शुरुआत 1908 में हुई थी और ये कंपनी ट्रक, कार और अदर व्हीकल्स बनाती है। नंबर फाइव पे आई है जीप। इस कंपनी की शुरुआत 1941 में हुई थी। इस कंपनी के सबसे सस्ते मॉडल का नाम है जीप कंपास, जिसकी प्राइस है लगभग 17,00,000 रुपये। वहीं बात करें महंगे मॉडल की, वो है जीप रेंजर, जिसकी प्राइस है लगभग 55,00,000 रुपये। नंबर सिक्स पे आई है टेस्ला। इस कंपनी की शुरुआत 2004 में हुई थी और ये कंपनी ज़्यादातर इलेक्ट्रिक वाहन बनाती है। इस कंपनी के सबसे सस्ते मॉडल का नाम है टेस्ला मॉडल 3, जिसकी प्राइस है 70,00,000 रुपये। वहीं महंगे मॉडल की बात करें, टेस्ला मॉडल एक्स, जिसकी प्राइस है लगभग 2,00,00,000 रुपये। नंबर सेवन पर जो कार आई है वो है क्राइसलर। ये इतनी पॉपुलर नहीं है और इस कंपनी की शुरुआत 1925 में हुई थी और ये कंपनी की सबसे महंगी कार का नाम है क्राइसलर पैसिफिका हाइब्रिड, जिसकी प्राइस है लगभग 30,00,000 रुपये। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपका कोई सुझाव है तो हमें कमेंट करना नहीं भूलिएगा। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।